कहते हैं कि जब किस्मत अच्छी हो तो इंसान की तकदीर बदलते देर नहीं लगती है। जी हाँ, कुछ इसी तरह की कहानी बिहार के आरा में भी देखने को मिली है, जहाँ गरीबी के हालात में गुजर बसर कर रहे एक परिवार रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल ड्रीम इलेवन ऐप पर क्रिकेट टीम बनाकर एक गैरेज मैकेनिक ने 1.5 करोड़ की राशि जीती है। विजेता युवक कुदवंत नगर प्रखंड के कोहड़ा गांव निवासी योगेंद्र ओझा का पुत्र दीपू ओझा है, जो रविवार को केकेआर और आरसीबी के बीच ऑनलाइन ड्रीम इलेवन ऐप पर टीम बनाया था और उसकी टीम जीत गई, जिसके बाद उसके बैंक खाते में 1.5 करोड़ की राशि आ गई। बिहार के आरा जिले का युवक मोबाइल पर गेम खेलकर करोड़पति बन गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने ड्रीम इलेवन नाम के ऐप पर क्रिकेट गेम खेलकर 1.5 करोड़ जीता है। इसके बाद से युवक का परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। युवक के खाते में जीती गई राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। दीपू ओझा ने बताया कि वो पिछले 6 महीने से ड्रीम इलेवन पर टीम बनाता आ रहा है, हालांकि उसे क्रिकेट या क्रिकेटरों के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। तुक्का पर ही टीम बनाता था और इस मैच में भी तुक्का पर ही टीम बनाया और 1.5 करोड़ की राशि जीतने में सफल रहा। उसने बताया कि रसेल को वो टीम का कप्तान बनाया था, उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट उसे मिले हैं। दीपू ओझा ने बताया कि वो पेशे से एक गैरेज मैकेनिक है। कल शाम में ही कुछ काम नहीं था और प्यास में 60 रुपया था, उस पैसे से बच्चों के लिए दूध ले जाना था। इसके बावजूद उसने टीम बनाकर दूध का पैसा लगा दिया और जब घर आया तब तक मैच खत्म हो गया था। उसी समय पता चला कि वो विजेता है। उसे विश्वास नहीं हुआ तो अन्य कई लोगों से ऐप को दिखाया। जब कई लोगों ने देखा तो विश्वास हुआ कि वो 1.5 करोड़ रुपये जीत चुका है। सिर्फ 8वीं पास दीपू अब जीती हुई राशि को परिवार के सलाह से सेव करेगा या बिजनेस बढ़ाएगा। दीपू ओझा ने बताया कि माँ और पापा अभी घर से बाहर गए हैं, जब वो लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले उनसे सलाह से इस पैसे को खर्च करने की प्लानिंग करेंगे। बता दें कि इससे पहले बिहार के आरा में एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप ड्रीम इलेवन से 1 करोड़ रुपये जीते थे। आरा जिले के चरपुखरी प्रखंड के ठकुरी गांव के रहने वाले वेंकटेश सिंह के पुत्र सौरभ कुमार ड्रीम इलेवन के विजेता बने थे। सौरभ कुमार 1 साल से ड्रीम इलेवन पर टीम बनाकर जीतने की कोशिश कर रहे थे। सर 6 महीने से बना रहे थे टीम, कल भी अपना मतलब बैठे थे, काम धंधा नहीं था तो कल भी अपना बैठे बैठे बनाए। 3 बजे मतलब पता चला कि मैच है तो उस मैच के देखते हुए अपना बनाया, अंदाजे पे बनाए। उसमें कोई तो पहचानते भी नहीं थे, केकेआर और आरसीबी का मतलब नाम जानते थे कि मैंने मैच है। और उसमें अपना कप्तान रसल को और किसी व्यक्ति को मतलब बना दिए और उसी मतलब पैसा कटवा दिए और उसी पर लास्ट में मतलब मैच ख़त्म हुआ तो पता चला कि मतलब 12 ओवर 13 ओवर के बाद मतलब 1 नंबर पर हम चल रहे थे। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था तो एक आदमी बोला कि नहीं रुक जाइए जीत जाएंगे, बाकी उसी पर अपना काम चलते रहा। हाँ लास्ट में तक ले गई 1 नंबर तक ले 1.5 करोड़ रुपये जीते हैं सर। इस पैसे का घर वाले के अपना सलाह होगा, उसके बाद घर वाले जैसे कहेंगे जैसे खर्चा किया जाएगा उसके हिसाब से। बहुत अच्छा मतलब लगा, पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, हम जानिए नहीं देते, हम सोचे कि मतलब ये मतलब फ्रॉड होता है चाहे जो भी होता है। कितने लोग बोल रहे थे कि मतलब पैसा नहीं आता है चाहे जो भी, हम बोले कि अपना लगाओ। क्रिकेट के बारे में कोई अनुभव नहीं है सर। क्या करते हैं हमारे पास, हम गैरेज में काम करते हैं, गैरेज के काम है, रेडी वाटर वाटर का गैस वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करते हैं। क्लास तक का सर, क्लास तक पढ़े, उसके बाद मैकेनिक लाइन में ढूंढे सर। नहीं मतलब इसमें अपना जब काम नहीं जाए तो अपना थोड़ा बहुत अपनी दिमाग लगाता था, बैठे बैठे मोबाइल है तो देख लेता था सर, उसी में अपना टिप टॉप कर लेता था। अचानक से अकाउंट में आपके 1.5 करोड़ रुपये आया, कैसा महसूस किया उस समय? तो सर लगा अजीब सा मगर बहुत अच्छा लगा। बाद में सबको अपना फ़ोन भी किया, कितना चाहिए, तो बहुत बढ़िया लगा। नहीं नहीं सर ऐसा बात नहीं, कोई क्या करेंगे उस पैसे का, मम्मी पापा बताएंगे क्या करना है। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम दीपू कुमार सर, ग्राम कोहड़ा।